भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कुल्लू जिला के अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान पिरडी के परिसर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर रुद्राक्ष का पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व अन्य भाजपा प्रदेश के नेता भी उपस्थित रहे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक एवं BLA को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से प्रेरणा लेना हमारा कर्तव्य है। भारत को एकजुट रखने में श्यामा प्रसाद जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट देने की बात कही थी तो मुखर्जी ने उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू का विरोध किया था। तब वो कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दिया और जनसंघ की स्थापना की। उन्होंने धारा 370 के विरोध में नारा दिया। नड्डा ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने धारा 370 को धराशाही कर दिया। ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति व अमित शाह की रणनीति का परिणाम है, जो देश आज एक निशान, एक विधान और एक प्रधान है। लेकिन उनके जीवनी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने पार्टी, विचार, इसके बीच में बहुत बड़ा भेद रखा था। वो कभी भी पार्टी से नहीं जुड़े, वो हमेशा विचार से जुड़े, और विचार के लिए उन्होंने एक नहीं, अनेकों पार्टियों से अपने आप को जोड़ा और तोड़ा। ये बहुत समझने वाली बात है। उन्होंने बहुत से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लिए, लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू कश्मीर को धारा 370 में स्पेशल स्टेटस देने का निर्णय किया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा, नेहरू तुम गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। और उन्होंने हिंदू महासभा से भी इस्तीफा दिया, यूनियन कैबिनेट से भी इस्तीफा दिया और उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने और उन्होंने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने नारा दिया, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चले। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के कारण भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने पूरी ताकत के साथ ये लड़ाई लड़ी और मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति ने इसको साकार करके दिया है। इसलिए आज के दिन जब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मदिन मनाते हैं तो उनके जीवन से हमको प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि वो पार्टी से नहीं बंधे। पहले कांग्रेस, कांग्रेस को छोड़ी, फिर हिंदू महासभा, हिंदू महासभा को छोड़ी, जनसंघ स्थापित किया, लेकिन वो विचार से जुड़े रहे और विचार के लिए वो आगे चलते रहे। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।